आईटी के सभी यहाँ पे पदाधिकारीगण, लक्ष्मी जी, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन से जुड़े हुए संदीप जी और यहाँ हॉकर्स फेडरेशन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारीगण, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जिस आंदोलन से मैं आज से 20 वर्ष पहले जुड़ा था, आज वो इतना आगे बढ़ गया कि आप देखिए, तकनीक के माध्यम से अपनी समस्या लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए उसकी एक शुरुआत है। और आज के वक्त में इसकी बहुत जरूरत भी है। कोई घटना होती है, कोई अपराध होता है, अगर आप उसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, ट्विटर का, फेसबुक का इस्तेमाल करके, किसी पुलिस अधिकारी को टैग करके या चीफ मिनिस्टर को टैग करके या किसी बड़े अधिकारी को टैग करके उसको उठाते हैं और उस समस्या के ऊपर अगर कुछ लोग और बड़े जो ट्विटर हैंडल हैं वो अपनी बात लिख देते हैं तो उसका समाधान हो जाता है। लेकिन अगर इस ऐप की शुरुआत हुई और आप इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाए तो जैसे भारत सरकार की और गवर्नमेंट के बाकी ऐप्स काम करते हैं उसी तरीके का ऐप ये भी रह जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि ये जो जीविका ऐप शुरू किया है लक्ष्मी जी के प्रयास से इनके साथियों ने, सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और इसका इस्तेमाल करना खूब सीखें। इस देश के अंदर जिस आंदोलन से पूरे देश को हिलाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, वो सचमुच में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का आंदोलन था। वो अन्न आंदोलन जिसमें SMS के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए एक दूसरे तक बात पहुंची। दुनिया के तमाम मुल्कों का अगर आप उदाहरण देखेंगे तो दुनिया के तमाम मुल्कों में जो आंदोलन हुआ वो कई बार सोशल मीडिया के जरिए वो खड़ा हुआ आंदोलन। तो मैं समझता हूं कि ये जीविका ऐप आपकी जीविका को बचाने के लिए, आपको रोजगार, आपके रोजगार को बचाने के लिए ऐसा ही एक आंदोलनकारी ऐप बनेगा जो आपकी मदद कर सके। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सालों पहले मैं रेडी पटरी वालों के आंदोलन से जुड़ा और मेरी राजनीति में तो बिल्कुल रुचि नहीं थी। मैं कहता था दुनिया का हर काम करना है, राजनीति नहीं करना, सब कुछ करना है, राजनीति छोड़ के सब कुछ करना है। तो मैं अपनी एक संस्था चलाता था, आजाद समाज सेवा समिति सुल्तानपुर में, उसके माध्यम से ब्लड डोनेशन का काम होता था, हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा का काम होता था, गर्मियों में पौशाला चलाने का काम होता था, ठंडियों में रजाई बांटने का काम होता था, अलाव जलाने का काम होता था और बड़े खुश रहते थे हम लोग कि चलो यार बड़ा अच्छा सेवा का काम है। लेकिन होता यह था कि सिस्टम अगर खराब है तो 2-4-10 मरीजों की सेवा तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पूरे हॉस्पिटल को अगर ठीक ढंग से चलाना है तो वो सिस्टम ठीक होना चाहिए। अब संस्था का काम करते करते एक समय ऐसा आया कि हमारे शहर में 440 बोर्ड का तार गिर गया पटरी गुमटी दुकानदारों की दुकान पे और करीब करीब 70 के आसपास दुकानें जल के खाक हो गई, बर्बाद हो गई। तो मैं साइकिल से गुजर रहा था उधर से अपने किसी काम से, तो मैं ऐसे ही रुक गया। मैंने कहा कि ये तो बड़ा नुकसान हुआ आप लोगों का। तो कोई रो रहा था, कोई विलख रहा था, कोई बहुत परेशान थे सारे लोग, उनके बच्चे आ गए थे, उनकी पत्नियां आ गई।
तो किसी ने कहा कि मेरी तो पूरी जिंदगी की पूंजी चली गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि हम तो 1 लाख रुपए का कर्जा लेके ये सारा सामान लेके आए थे। और तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने कहा कि ये तो एकदम से इनका तो रोजगार खत्म हो गया, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं जिलाधिकारी के पास उस समय गया, मैंने कहा भाई इतना बड़ा नुकसान इन लोगों का हो गया, इनको कुछ कंपेंसेशन दीजिए, कुछ मुआवजा दीजिए। तो कहने लगे ऐसा मुआवजा देने का तो कोई प्रावधान है नहीं, तो इनको मुआवजा किस बात का दिया जाए। हमने कहा मुआवजा इस बात का दिया जाए कि इनकी इन्होंने अपने आप से दुकान में आग नहीं लगाई, इनकी दुकान गिरी है बिजली का तार गिरने से आग लगी और तब इनकी दुकान जली है, तो इसलिए इनको मुआवजा दिया जाए क्योंकि ये बिजली विभाग के फॉल्ट की वजह से हुआ। तो बोले साहब ये लोग तो इलीगल तरीके से लगाते हैं, अवैध तरीके से लगाते हैं। तो गर्मियों का महीना था, तो मैंने डीएम से साहब से कहा, मैंने कहा डीएम साहब आप एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे हुए हैं और अगर आपके घर में खाने के लिए नहीं रहेगा तो आप चौराहे पे जब ठेला लगाएंगे तब आपको पता चलेगा ये अवैध है कि वैध है, अपने बच्चों को पालना है तो अवैध है। हमने कहा बच्चों को पालना अवैध है, परिवार में अगर माँ बीमार है उसका इलाज कराना अवैध है, घर में किसी को टीवी हुआ है, किसी को कैंसर हुआ है, उसका इलाज कराना अवैध है, कहां से करेंगे? या तो ये लोग चोरी डकैती करें तब अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और या फिर आप इनकी मदद करें। तो उसने कहा कि तब मैं भी थोड़ा उस टाइम में यंग था, गुस्सा जल्दी आ जाता था, अभी भी वो आदत है, लेकिन तो उसने कहा कि ये कैसे बात कर रहे हैं आप? हमने कहा हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, हम कोई गलत बात कर रहे हैं तो आप बताइए। तो फिलहाल उसको लेके उसने बात मानी नहीं, तो करीब 10-15 दिन तक धरना चला उन लोगों को लेके। फिर उसमें बिजली विभाग ने अपनी रिपोर्ट लगाई कि उनकी गलती की वजह से वो दुकानें जली हैं, और फिर उसमें मुआवजा के लिए रिकमेंड हुआ कि हाँ इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बाद इंक्रोचमेंट के नाम पे कभी भी किसी दुकानदार को उजाड़ दिया जाता। अब आप सोचिए कि गर्मी में 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में कोई आदमी दिन भर ठेले के पास खड़े होके या उस ठेले को पूरे शहर में घुमा के अपनी सब्जी बेचेगा, केला बेचेगा, फल बेचेगा, तो क्यों बेचेगा? क्योंकि उसको अपने रात के चूल्हे की चिंता होती है कि जब वो घर जाएगा तो उसके बेटे पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे कि आप क्या लेके आए, राशन आया कि नहीं आया, सब्जी आई कि नहीं, फीस का इंतजाम हुआ कि नहीं। तो इस देश में करोड़ों लोगों का रोजगार अगर चलता है तो फुटपाथ से चलता है, रेड़ी पटरी से। करोड़ों लोगों का अगर परिवार चलता है तो फुटपाथ से, रेड़ी पटरी से चलता है। और इसको लेके व्यापक आंदोलन फिर उस समय पूरे देश में चला, और तब मैं नेशनल, उसके बाद फिर मैं नेशनल हॉकर्स फेडरेशन से जुड़ा। फिर तो मुझे लगा कि जब तक सिस्टम नहीं चेंज होगा, सिर्फ सेवा के काम से ही बात नहीं बनेगी, सेवा का काम भी जरूरी है लेकिन साथ साथ व्यवस्था को बदलना जरूरी। अब आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, अर्बन कमेटी में बैठता हूं, हर बार जो वेंडर्स का मुद्दा होता है, रेड़ी पटरी वालों का मुद्दा होता है, पूरे देश का मुद्दा कहीं भी मेरी जानकारी में आ जाता है, सीपी से लेके देश के किसी हिस्से के, वो मैं उस मीटिंग में उठाता हूं, अधिकारियों को बुलवाता हूं और जैसे हो पाता है उनसे काम करवाने की कोशिश। तो राजनीति के जरिए यहां तक पहुंचे, और अगर यहां तक नहीं पहुंचते तो पार्लियामेंट में कैसे आपकी आवाज उठा पाते, कैसे अधिकारियों के सामने आपकी आवाज उठा पाते, तो ये भी जरूरी हिस्सा है। यहां पे कनॉट प्लेस में कई बार आप देखिए कभी भी उजाड़ के हटा देते हैं, यहां बैठे होंगे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको निराश किया हो। चेयरमैन से बात करनी हो, एनडीएमसी के अधिकारियों से बात करनी हो, तुरंत बात करता हूं, 2-4 दिन भले लग जाए लेकिन काम जो है होते हैं आप लोगों के।
मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि आज आपके लिए एक एक्ट बना बहुत लंबी लड़ाई के बाद। उस एक्ट पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। कोर्ट में जाइए तो जैसे उनको लगता है कि ये एक्ट है ही नहीं, ये क्या है, ये लोग बात कर रहे हैं, ऐसा टाइप महसूस होता है। लेकिन आपके साथ बहुत सारे मैं देख रहा हूं यहां पे पढ़े लिखे यंग बच्चे, यहां मैं देख रहा हूं कि लक्ष्मी जी और उनकी सोसाइटी, ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं जिनकी बदौलत आपके अधिकारों की बात होनी चाहिए। और यह अधिकार कोई भीख नहीं है आपके लिए, ये अधिकार शब्द का अगर मैं आपको इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये आपका कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार। 2014 के एक्ट में मिला हुआ अधिकार। और वो अधिकार क्या कहता है? टाउन वेंडिंग कमेटी होगी, टाउन वेंडिंग कमेटी के जरिए वेंडर्स के जोन बनेंगे, वेंडर्स के जोन के जरिए ये तय होगा, सर्वे होगा कौन कहां पे दुकानें लगाएगा, उनके लाइसेंस बनेंगे, उनको दुकान लगाने के स्थान निर्धारित होंगे। और किसी को भी आप ऐसे उजाड़ नहीं सकते, उजाड़ने के पहले उसके रोजगार की आजीविका की व्यवस्था करनी होगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, मोटे मोटे चीजें ये सारी चीजें हैं एक्ट के अंदर, ये सारी बातें हैं एक्ट में। अब जब ये एक्ट में है तो हमको क्यों मनमाने ढंग से उजाड़ दिया जाता है? जब ये बातें एक्ट में है तो हमको क्यों पुलिस वाले को पैसे देने पड़ते हैं 500 रुपए 1000 रुपए रोज के अलग अलग जगहों के हिसाब से, कि अगर यहां अच्छी दुकान चल रही है तो अच्छा पैसा दो, यहां थोड़ा कम दुकान चल रही है तो थोड़ा कम पैसा दो। बोला नहीं हो रहा, मैं एक एक चीज से वाकिफ हूं। तो मैंने कहा कि भाई आप अधिकार दीजिए, कानून दिया है आपने, अब आप उनको एक स्थान निर्धारित करके, उनकी एक जगह निर्धारित करके उनको दुकान लगाने का अधिकार दीजिए, रोजगार करने का अधिकार दीजिए। बहुत अच्छा हुआ है कि अब एमसीडी में भी हम लोगों का दल आम आदमी पार्टी आ गई है, अरविंद केजरीवाल जी आ गए। अभी जो एमसीबी के जरिए आप लोगों को तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था, उस समस्या का समाधान आसानी से हो पाएगा। वसूली का जो धंधा चलता था उस पर रोक लग सकेगी। तो बाकी पुलिस वालों से लड़ाई चलती ही रहती है, उसमें भी जब जिससे शिकायत करने की जरूरत होगी उसको किया जाएगा। लेकिन ये ऐप के इस्तेमाल करके, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करके, आज की तारीख में तेजी से अपनी बात पहुंचाने का माध्यम सोशल मीडिया है, इस तरह के एप्स हैं। और आप इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दुख तकलीफ आपकी परेशानी बड़े अधिकारियों तक जल्दी पहुंचेगी और उसके ऊपर फिर चर्चा हो सकती है, उसके ऊपर फिर उसका समाधान निकालने के लिए वो लोग मजबूर हो सकते हैं। और बहुत सारी घटनाएं होती है हम लोग, बुलडोजर अगर सबसे पहले, बाबा जी का बुलडोजर तो अब चल रहा है यूपी, अगर बुलडोजर का सबसे पहले सामना किया है तो मेरी उम्र उस समय रही होगी 26-27 साल। उस समय बुलडोजर आया था सुल्तानपुर में फुटपाथ के दुकानदारों पर चलाने के लिए, और उस बुलडोजर के सामने मैं खड़ा हुआ था तो मुझे और मेरे साथियों को दौड़ा दौड़ा के लाठियों से पीटा गया था, मुझे जेल में डाला गया था। और एक नहीं, रेडी पटरी वालों के आंदोलन में कई बार लाठियां भी खा चुका हूं, जेल भी जा चुका हूं, लेकिन मुझे उस बात पे फक्र है, गर्व है, सुखदेव। अभी 21 साल पुराने मामले में मुझे सजा हो गई 3 महीने की। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि इसका मतलब तुम बहुत पुराने आंदोलनकारी हो जो अभी से मुझे जानते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं पुराना ही आंदोलनकारी हूं, कभी रेड़ी वालों के लिए लड़ता था, कभी बिजली और पानी की समस्या के लिए लड़ता था। तो 21 साल पहले मैंने अपने शहर में बिजली की 36 घंटे तक कटौती हुई थी, उसकी समस्या को लेके आंदोलन किया था उसमें, अब मुझे सजा हो गई। तो चलो, उसकी कोई चिंता नहीं, अपने हक के लिए हम लोग लड़े, उसकी चाहे जो सजा मिले वो मंजूर है, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। मैं
रेहड़ी पटरी वाले लोगों के साथ, उनके आंदोलन के साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हूं, राजनीतिक रूप से भी जुड़ा हूं, सामाजिक रूप से भी जुड़ा हूं, और आपके लिए तन मन धन से हमेशा प्रस्तुत रहूंगा। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतना सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।